दूसरा पकड़ो। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तमाम व्यूअर्स और दोस्तों को मेरी तरफ़ से। आज मैं भावलपुर में अपने प्यारे दोस्त उमर गुराया छत पर मौजूद हूँ, जहाँ हम उनके पट्ठों का शौक़ कर रहे हैं और आपको उनके कबूतरों का भी शौक़ दिखाएंगे। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि उमर गुराया जो है ये अभी फ़िलहाल जो है शौक़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अच्छा शौक़ रखते हैं। जॉब की वजह से अपने परिंदों को सही तरह टाइम नहीं दे पाते या कप में हिस्सा नहीं ले पाते। और इनके जो उस्ताद हैं वो उस्ताद अंसार हैं, जिनसे उन्होंने सीख ली है अपनी ज़िंदगी में। आपको उमर गुराया से भी मिलवाऊँगा, पहले उनके घर के बच्चे का शौक़ कराते हैं आपको। ये जी इनके घर का पट्ठा है, ये अभी उड़ाने के लिए छोड़ा है इन्होंने, ये पर बंधा हुआ है, इसके फुंदा चेक कर सकते हैं आप। नौवीं कली देखें बाहर है, और माशाल्लाह बगल भी चेक करें पट्ठे की। ये अभी अपने माँ बाप से जुदा हुआ है, ये पट्ठा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड में बहुत अच्छे सेटअप के साथ पला हुआ है, बहुत हेल्दी पट्ठा है। और ये सर का इसका साइज़ भी चेक करें पट्ठे का, बिल्कुल बड़े कबूतरों जैसा इसका साइज़ है और बहुत अच्छा पट्ठा है ये कमगरों में से इनका पट्ठा है। चले उमर भाई और आप दिखाएं जो आपके जोड़े वाले अपना जोड़ों वालों की वहीं वीडियो दिखा दें। ये पट्ठे को हम छोड़ रहे हैं जी, एक पट्ठा ये है, एक पट्ठी ये कमगर मादी जो मैंने शुरू शुरू में निकाली थी। तीनों कमगर पट्ठे हैं और मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 35 सालों में से पट्ठा बैठा एक, ये सियालकोटी फौजी वाले मशहूर है, ये उड़ने वाले दोनों पट्ठे हैं। शौक करें जी लाल अखों का, इनके पास सिल्वर लाल अखे हैं।
कासनों में से सिलेटी बिच्छू कह लेने, सिलेटे कबूतर है। माशाल्लाह ये जी बहुत ही प्यारा कबूतर है जी, इसकी फीमेल भी दिखा दें। अच्छा जी, तो ये भी कासनी मादी है, सियालकोटियों में से क्रॉस जोड़ा बनाया हुआ चौड़ाने के लिए। माशाल्लाह बहुत प्यारी मादी है। पल्ले काटे हैं इसका आखिरी पर देखें जी, ये इसका आखिरी पर है कि कितनी इसकी लेंथ है पर की, आखिरी पर की लेंथ बहुत है, दुम तक इसके पर है, दुम से बाहर हैं तकरीबन। और ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह। जोड़ा समय आदि पकड़ना, जोड़ पकड़ लो एक, मैं पकड़ लेता हूँ एक आपको। गुस्सा ना कर। ये जी इनका एक और सियालकोटी जोड़ा है, आपको खाता चले, गुस्सा कर रहा है थोड़ा सा। मोती आलों में से ये जोड़ा है इनका, बहुत ही नायाब जोड़ा है, पुरानी नस्लों में से इनके पास मौजूद है, बड़े बड़े उस्तादों के पास इनके ताल्लुकात की वजह से आज इनके पास ये नस्लें मौजूद हैं। एलेनर को चेक करा ले, बस ऐसे ही दिखा देता, टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा दादा। सूरज में देखें जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी आंख, आई क्लोजअप चेक करें आप। मोती आला कबूतर जी इनका, चमकीले के नाम से मशहूर है ये। और ये इसकी मादी है जी, मादी जो इनकी फ्रांसीसी और मोती आलों का क्रॉस है, बहुत प्यारी मादी है और पुरानी ब्रीडर, बहुत ही पुरानी ब्रीडर कबूतर है। पलके चेक करें जी, ओके आँख, आँख के अंदर दर्रा चेक करें, पल्ला तो मुँह से बाहर है। माशाल्लाह मैं ज़रा और लोगों को इनवाइट कर लेता हूँ। दिखाएं जी, ये देखें जी, ये इनके पास पुराने भावलपुर के नामवर और बहुत लंबे फाते रहे जिन्होंने 5 साल लगातार चैम्पियनशिप जीती है। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं उमर भाई। ये फौजी वाले कबूतर हैं, ये हमारे उस्ताद साहब की बनाई हुई नस्ल है, तो इनका 5 साल रिकॉर्ड है, लगातार चैंपियन हुए हैं ये पहले नंबर पे भावलपुर टूर्नामेंट में। अच्छा माशाल्लाह, ये पुराना तकरीबन ये 15-1 साल का कबूतर है मेरे पास, और अभी तक माशाल्लाह इसके पट्ठे में निकलवा रहा हूँ,
जो कि अभी तक इनका रिजल्ट वही है हमारे पास। ये काले ज़ीरे कबूतर हैं, फौजी वाले, फौजी वाले कबूतर। ये जी फौजी वाले ब्रीड है, बावलपुर में इनका बड़ा लोहा